चलो फिर इस यम सी केक की शुरुआत करते हैं, जो कि है प्लम केक और ड्राई फ्रूट केक। चलो फिर शुरू करते हैं इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए हमें सोक करने हैं अपनी ड्राई फ्रूट्स को। सो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं कैंडिड फ्रूट्स, है ना, कोई भी टिन फ्रूट्स ले लीजिए या फिर मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। ग्रीन टूटी फ्रूटी ले ली है मैंने और रेड टूटी फ्रूटी जो अवेलेबल थी वो ले ली है। आप ऑरेंज ले सकते हैं, येलो ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट्स आप इसमें ले सकते हैं। रेजिन्स ले ली है मैंने और एलमंड्स ले लिए हैं, कैशूज ले लिए हैं। आप कोई से भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी मनपसंद के, और इसमें बहुत बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स जाते हैं तो भर भर के मैंने तो डाले हैं, और आप भी बहुत सारे डालिए तभी टेस्टी लगता है। उसके अलावा मैंने ब्लैक रेजिन्स ले लिए हैं, ये ड्राई डेट्स हैं यानी सूखे खजूर जिसको कहते हैं ना, आपको नॉर्मल मिल जाए तो वो नॉर्मल भी आप ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने लिया है ऑरेंज जेस्ट, ठीक है, आप ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। ये नटमेग पाउडर है यानी जैफल का पाउडर, मैंने उसको कद्दूकस कर लिया था, ठीक है, घिस लिया था। और ये है सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर और क्लोव पाउडर। इसमें स्पाइसेस जाते हैं एक्चुअली, ये जो प्लम केक बनता है ना, क्रिसमस स्पेशल केक जो होता है, इसमें बहुत सारे स्पाइसेस और ड्राई फ्रूट्स आते हैं। स्पाइसेस का मतलब ये नहीं है कि आप मिर्ची विर्ची डाल दो इसमें, वैसा नहीं है। स्पाइसेस यानी खड़े मसाले जो होते हैं, सूखे मसाले, वो जाते हैं। तो ये मैंने पाउडर्ड शुगर ऐड कर दिया इसमें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे ये पाइनएप्पल जेली ली है मैंने, यानी पाइनएप्पल क्रशर जिसको बोलते हैं, या फिर आप पल्प बोल सकते हैं। ये भी इजीली मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपके पास नहीं है और आपके पास शॉप्स में, नियरली शॉप्स पे अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है। और ये मैंने फ्रेश जूस लिया है, ऑरेंज जूस, आप चाहें तो कैन वाला जो होता है या फिर जो टेट्रा पैक्स आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और कोई सा भी जूस यूज़ कर सकते हैं, ग्रेप जूस, पाइनएप्पल जूस, ऑरेंज जूस, कोई सा भी जूस आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हमने 1 से 2 घंटे के लिए भी सोक करके रखना है। इट्स बेटर कि अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सोक करके रखेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा, ओवरनाइट सोक करके रखेंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट प्रोसीजर पे चलते हैं। इसके लिए केक बनाने के लिए हमें चाहिए दूध, ठीक है, आधा कप दूध लिया, उसमें 1/2 टेबल स्पून के करीब मैंने ऐड कर दिया है विनेगर। आप नींबू भी ऐड कर सकते हैं। विनेगर क्या होगा, वो दूध को कडल कर देगा, फाड़ देगा दूध को, ठीक है, वही दूध हमें चाहिए होगा। उसकी जगह पे आप दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए कडल हो गया है ना, दूध फट चुका है, डालते हैं, क्योंकि गुनगुना दूध मैंने लिया था इसके लिए, और अभी सर्दी का टाइम है तो थोड़ा आप तेज़ हल्का गर्म दूध ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैदा लिया है मैंने, जब तक वो कडल हो रहा है पूरी तरह से, हम अपना केक का बैटर तैयार कर लेते हैं। उसके अंदर मैंने डाली है पाउडर्ड शुगर, क्वांटिटी सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो डू चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके। उसके बाद में बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया, हल्का सा नमक, पिंच ऑफ नमक ऐड किया, क्योंकि बहुत सारी चीनी चीनी हो रही है ना, तो मैंने इसमें मीठा ज़्यादा को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा नमक ऐड किया है। उसके बाद में आप इसको छान लीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद हम एक कैरमल बनाएंगे चीनी से, ठीक है, वो उससे बहुत अच्छा कलर आएगा और ऊपर से क्रस्ट भी उसका बहुत अच्छा आएगा कैरमल ऐड करने से, क्योंकि मैंने इसमें कोको पाउडर यूज़ नहीं किया। आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं फॉर मोर कलर एनहांसिंग, मैंने यूज़ नहीं किया है, सो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप इसकी जगह पे 2 टेबल स्पून आप कोको पाउडर आप ऐड कर सकते हैं, अनस्वीटन्ड वाला, ठीक है। जैसे ही मेल्ट हो जाएगी शुगर आपकी, आप इसमें हल्का हल्का करके पानी ऐड करेंगे। पहले अच्छी तरह से उसको कैरमलाइज हो लेने दीजिए। अब धीरे धीरे करके जब जैसे ही आप पानी ऐड करें ना, तो आप क्या कीजिएगा कि नीचे से गैस जो है आप ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है, सो दैट आपका छींटे बाहर ना आए और वो इजीली आपसे हो जाए। कैरमल तैयार हो गया। अभी हमें क्या करना है, ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मिक्स करना है ऑयल को। 6 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल ले लिया है यहाँ पे, और जिंजर पाउडर डाल दिया है इसमें, और थोड़ा सा वनीला एसेंस, और कैरमल सॉस को ऐड करके हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। कर्डल मिल्क जो था ये भी कर्डल हो चुका है, तो उसको डाल के हम अच्छी तरह से कट एंड फोल्ड मेथड से, ये तो आप सबको पता ही होगा, तो उस मेथड से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे
स्लाइटली हाथों से जेंटली मिक्स कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा अगर हम हार्ड प्रेस करते हैं ना इसको, तो क्या होता है केक जो है हमारा हार्ड बनता है, ठीक है। तो आप मिक्सिंग के टाइम पे ये ध्यान रखिएगा कि जेंटली प्रेस कीजिएगा, जेंटली कट एंड फोल्ड मेथड से आप उसको मिक्स कीजिएगा। उसके बाद में जो सोक्ड हमारे ड्राई फ्रूट्स थे हम उसको ऐड कर देंगे, और दोबारा से हम बिल्कुल ही प्यार से बिल्कुल जेंटली हम उसको मिक्स करेंगे उन ड्राई फ्रूट्स को बैटर के अंदर, ठीक है। बिल्कुल ये मिक्स हो चुका है। इन बिटवीन क्या कीजिए, आप पैन को प्री हीट कर लीजिए पहले से, ठीक है। पैन को रख दीजिए वहाँ पे हीट होने के लिए, और उसके बाद में अपने जो टिन को वो लाइन कर लीजिए बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर, आपके पास जो भी होगा आप उससे लाइन आउट कर लीजिए। ये मैंने ऑडी का यूज़ किया है, बहुत ही कमाल का पेपर है ये, आप इसको किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने पार्चमेंट पेपर से इसको, और बिल्कुल भी ऑयल विदाउट ऑयल किया है, देख लीजिए आपके सामने ऑयल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया मैंने। उसके बाद में अपना जो बैटर है उसमें फिल कर दीजिए, और प्री हीट हमारा ये घर का जुगाड़ू सा ओवन हो गया है रेडी, और उसके बीच में ये मैंने डाल दिया है टेन अपना, और इसको आराम से आप 40 to 45 minutes के बाद में आप चेक कर लीजिएगा कि आपका हो गया, क्योंकि ये केक थोड़ा सा टाइम लेता है बनने में, ठीक है। इन बिटवीन मैंने क्या किया, मैंने अपने जो पहले थे मैंने वो सोक नहीं करके रखा, आप पहले नहीं डाले काजू बादाम। सो आप क्या कीजिए, बाद में बीच में यानी सेंटर में जब 30 मिनट्स के करीब हो जाए उसके बाद में आप अपने काजू बादाम जो भी हैं ऊपर से लाइन अप कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से वाला आपका ये केक तैयार हो गया है बिल्कुल ही। आप टूथपिक इंसर्ट करके आप देख लीजिए, ये बिल्कुल तैयार है। अब आपको इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद में डीमोल्ड करना है। ये डीमोल्ड कर लीजिए आप केक को, और उसके बाद में अपना जो आपने पार्चमेंट पेपर या फिर बेकिंग पेपर जो भी लगा रखा था उसको आप निकाल लीजिए। ये देखिए कितना सॉफ्टली निकल जाएगा विदाउट एन ऑयल का यूज किए बिना भी, ये देखिए कितना जेंटली ये उतर रहा है, ठीक है। इसको रिमूव कर लीजिए और कॉर्नर से भी अच्छी तरह से रिमूव कर दीजिए। कितनी इजीली हो रहा है ये, बस ये आपका केक बिल्कुल रेडी है, रेडी टू सर्व। आप इसको गिफ्टिंग पर्पस में दीजिए, गिफ्ट के ऑप्शन के लिए बहुत ही ज्यादा, मतलब होममेड केक से अच्छा तो कुछ और ही नहीं सकता है ना। तो आप इसको गिफ्टिंग पर्पस के लिए यूज कीजिए, घर के लिए यूज़ कीजिए। सो ट्राई कीजिए, और इन इंग्रेडिएंट्स के साथ आपके ये केक कैसा बनता है मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो डू ट्राई इट आउट, एंड प्लीज़ कमेंट करते हुए जाइएगा कि आपका ये केक बनाने के बाद ही आपका ये केक कैसा बनता है। सो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और मेरे इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। सो आप कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और हाँ वो जो बेल आइकन है वो भी प्रेस करना होता है, ठीक है ना, तो उसको भी आप प्रेस कर दीजिए। सो ओके, बाय बाय, मैरी क्रिसमस आप सबको, एंड विश यू वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय, सी या, गुड लक।